गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में क्या स्टडी किया था हम लोगों ने? लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपनी जो एक्सरसाइज 5.6 जो थी उसकी क्वेश्चंस किए थे। ओके, अपनी एक्सरसाइज किस चीज़ पर बेस्ड थी? स्टोरी प्रॉब्लम्स, जिसमें कि हम लोगों ने स्टोरी प्रॉब्लम्स के थ्रू डिविजन्स सॉल्व किए थे। ओके, हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ हम लोगों ने सॉल्व किए थे। ओके, जो क्वेश्चंस मैंने जो डिविजन्स आपको बताए, आई होप आप लोगों ने वो सॉल्व किए होंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन सिक्स्थ ऑफ एक्सरसाइज 5.6, फिफ्थ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, नाउ सिक्स्थ टू टेंथ हम लोग इस क्लास में करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन सिक्स, 16,488 प्लांट्स आर प्लांटेड इन 72 रोज। 72 रोज में 16,488 प्लांट्स प्लांट किए हुए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इफ ईच रो हैज सेम नंबर्स ऑफ प्लांट्स। हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन एक्सरसाइज में क्या किया था कि एक रो में जैसे कितने भी प्लांट हैं, एक रो के प्लांट्स हमें दिए हुए थे एंड मेनी रोज के हमें पूछे थे कि कितने प्लांट्स होंगे। ओके, यहाँ इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि टोटल प्लांट्स तो इतने हैं, इतने प्लांट किए हुए हैं टोटल प्लांट जो कि 72 रोज में हैं, तो एक रो में कितने प्लांट्स होंगे। ओके, क्या करेंगे, मेनी का दिया हुआ है, वन का फाइंड करना है, क्या करेंगे, मैनी डिवाइड बाय रोज, प्लांट्स डिवाइडेड बाय रोज। तो क्या करेंगे, 16,488 डिवाइड बाय 72। ओके, क्या करेंगे, 16,488 डिवाइड बाय 72। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ, आपको इसका आंसर फाइंड करना है। ओके, बाय डिवीजन आपको आंसर फाइंड करना है। सेवेंथ, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 23,360। फाइंड द अदर नंबर इफ वन नंबर इज 64। कि टू नंबर्स का प्रोडक्ट इतना है, जिसमें से एक नंबर तो ये है, तो सेकेंड नंबर क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे कि हमें टोटल तो दिया हुआ है, ओके, कि इस नंबर का प्रोडक्ट इतना है, टू नंबर्स का प्रोडक्ट इतना है, ओके, जिसमें से वन नंबर तो ये है। अगर मैं फर्स्ट डिजिट को टोटल डिजिट से डिवाइड करती हूं तो मेरे पास सेकेंड नंबर आ जाएगा ना, जो क्वेश्चन आएगा वो सेकेंड नंबर आ जाएगा। ओके, क्या करूंगी मैं, 23,360 को जब मैं 64 से डिवाइड करूंगी, ओके, 23,360 को मैं 64 से डिवाइड करूंगी तो जो क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा, अदर नंबर। ओके, जो सेकेंड नंबर होगा वो क्या होगा, इनको डिवाइड करने पर जो क्वेश्चन आएगा वो होगा। ओके, प्रोडक्ट दिया हुआ है, जैसे अभी नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा जिसमें कि हम रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लीकेशन एंड जो डिवीजन हम लोगों ने स्टडी भी किया, उसमें क्या किया कि टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो आता है उस आंसर को इस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, और इस आंसर को जब हम सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट डिजिट आंसर आ जाएगा। ओके, इसी तरह से आता है। सो जब मैं प्रोडक्ट ये है, मतलब आंसर ये है, प्रोडक्ट ये है, यहां जो आंसर आता है वो क्या है, 23,360। फर्स्ट डिजिट क्या है, 64। जब मैं आंसर को फर्स्ट डिजिट से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास सेकंड डिजिट आंसर आ जाएगा, सेकंड डिजिट आंसर आ जाएगा मेरे पास, तो आंसर यहां डिवाइड करने पर आ जाएगा। ओके, यू हैव टू डिवाइड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, वॉट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 58,000
693 टू मेक इट एक्सक्टली डिविबल बाय 37 कि कौन सा सबसे छोटा नंबर हम सब्ट्रैक्शन में यूज कर सकते हैं फ्रॉम इससे सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो कि एक एग्जैक्टली डिविजिबल होता है 37 से. ओके तो जब हम 58,693 को 37 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जो सबसे लीस्ट नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज आएगा. ओके सो 58,693 डिवाइड बाय 37 इक्वल्स टू आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 9th. द कॉस्ट ऑफ 5 स्टूल्स इज रुपीज 1180. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 स्टूल कि 5 स्टूल्स की कॉस्ट इतनी है तो 1 स्टूल की कॉस्ट कितनी होगी. मोर की दी हुई है, मोर की कॉस्ट दी हुई है, लेस की पूछी है, 5 की दी हुई है, 1 की कॉस्ट पूछी है हमें. क्या करेंगे 1180 डिवाइड बाय 5, 1180 को 5 टाइम्स डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 1 स्टूल की कॉस्ट आ जाएगी. ओके नेक्स्ट 10th. 3584 persons can travel in 64 buses. कि 3584 peoples 64 buses में travel कर सकते हैं. How many persons can travel in one bus if number of passengers in each buses equal? तो अगर 64 buses में इतने travel कर सकते हैं तो one bus में कितने passengers होंगे जब टोटल बसेज जितनी सारी भी बसेज हैं उनमें इक्वल पैसेंजर्स हैं. तो क्या करेंगे 3584 पर्संस डिवाइड बाय 64 बसेज इक्वल्स टू वन बस पैसेंजर. ओके इस तरह से आपको 6th, 7th, 8th, 9th, and 10th क्वेश्चन आपको इन होमवर्क फाइंड आउट करना है. ओके सॉल्व करना है. अगर कहीं कोई डिवीजन वगैरह में प्रॉब्लम आती है या क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो. ओके बाय.